अच्छी मेहनत कर आगे बढ़कर नाम रोशन करें पूर्व विधायक मेघवाल। वालेरा के मॉडल स्कूल में वार्षिकोत्सव उमंग 2022 का हुआ भव्य आयोजन। सायला उपखंड क्षेत्र के वालेरा स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल का तृतीय वार्षिकोत्सव एवं विदाई समारोह उमंग 2022 का आयोजन वालेरा महंत पारस भारती महाराज के सान्निध्य एवं पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता साइला SDM सूरजभान विश्नोई ने की। बतौर विशिष्ट अतिथि के नाते मुख्य शिक्षा अधिकारी TR मीणा, APC समसा ईश्वर सिंह, थानाधिकारी ध्रुव प्रसाद, जिला परिषद सदस्य रामाराम चौधरी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदे की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। उसके बाद अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक रंगारंग प्रस्तुतियों द्वारा समा बांधा गया एवं पूर्व विद्यार्थियों का विदाई समारोह मनाया गया। शैक्षणिक सत्र में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य मूलाराम राणा ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए विद्यालय की इस सत्र में उपलब्धियों के बारे में अवगत करवाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल ने विद्यार्थियों को मेहनत कर आगे बढ़ने की बात कही। जिला शिक्षा अधिकारी TR मीणा ने विद्यार्थियों और विद्यालय प्रशासन व स्कूल के नवाचारों की प्रशंसा की। वहीं SDM सूरजभान विश्नोई ने विद्यालय के बालक बालिकाओं को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। थानाधिकारी ध्रुव प्रसाद ने वर्तमान समय में सोशल मीडिया के उपयोग और जीवन में अनुशासन के महत्व व यातायात नियमों की जानकारी दी। रामाराम चौधरी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में मंच संचालन मांगीलाल चौधरी एवं सुरेश मेघवाल ने किया। अंत में प्रधानाचार्य द्वारा अतिथियों, भामाशाहों, अभिभावकों एवं मेहमानों का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में एडवोकेट नरपत सिंह, प्रवीण कुमार बिश्नोई, मुकेश राजपुरोहित बावतरा, नौजीराम, चेताराम, दूदाराम बावतरा, भामाशाह ओम प्रकाश सोनी जीवाना, ललित माली सायला, डूंगराराम बावतरा, चतराराम सायला, जयंतीलाल सायला, गुमान सिंह मोकनी, जोराराम ओटवाला आदि उपस्थित रहे। शिक्षा प्रणाली थी उसमें ज्यादातर हिंदी मीडियम के स्कूल थे और सरकार ने यह देखा कि भाई इंग्लिश मीडियम स्कूलों की तरफ बच्चों का रुझान और अभिभावकों का रुझान ज्यादा है और चूंकि इंग्लिश मीडियम में विशेष तौर से जो निजी विद्यालय हैं उनका प्रभुत्व ज्यादा था और कई ऐसे बच्चे टैलेंटेड बच्चे थे जो वहां तक पहुंच नहीं हो पाती थी उनकी, तो सरकार ने यह विशेष प्रयास किया कि जो बहुत ही योग्य और टैलेंटेड बच्चे हैं जिनके अभिभावकगण उनका निजी विद्यालयों में खर्चा नहीं उठा सकते उनके लिए ये बहुत ही उच्च कोटि के विद्यालय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल अभी जो चालू हो रहे हैं वो हुए हैं, काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। दूसरे स्वामी विवेकानंद ये उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, इनमें तो उच्च कोटि की शिक्षा के लिए और इंग्लिश मीडियम विशेष तौर से उनके लिए सरकार के द्वारा ये प्रयत्न किए गए हैं जो बहुत ही सराहनीय है। और पिछले कई सालों से हमने खुद ने ये महसूस किया है कि बच्चों ने और अभिभावकों ने इसमें बहुत एक्टिव सक्रिय सहयोग लेकर के यहाँ शिक्षा ग्रहण की है बच्चों ने, तो बहुत बढ़िया है। और विशेष तौर से कि जो भी आपके बच्चे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के जो एडवांस स्कूल है उनमें पढ़ाएं और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें।
अंदर क्या क्या क्रियाकलाप हो रहे हैं, बच्चों का स्टैंडर्ड क्या है, किस प्रकार से एक्टिविटी संचालित हो रही है, वो सारा कुछ, उस स्कूल का रिजल्ट क्या है, वो सारा हमें वार्षिक उत्सव के द्वारा पता लगता है। लेकिन वार्षिक उत्सव में बच्चों के सभी अभिभावकों को बुलाया जाता है, लेकिन अभिभावक बहुत कम आते हैं। मैं 2-3 वार्षिक उत्सव में गया हूँ, मंगलवा गया हूँ, ऑटो वाला भी गया हूँ, लेकिन वहाँ पर मैं देखता हूँ कि अभिभावक बहुत कम आते हैं। आपके यहाँ पर तो फिर भी काफ़ी संख्या है, यहाँ बताते हैं कि 400 की स्ट्रेंथ है छात्र छात्राओं की, लेकिन उस हिसाब से 400 अभिभावक तो होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड है। यही एक दिन होता है जो आपसे बच्चे मांगते हैं कि हमारे स्कूल का उत्सव है, जिस प्रकार से हमारे कुछ राष्ट्रीय पर्व है, कुछ धार्मिक पर्व है, उसी प्रकार से ये एक विद्यालय का पर्व है, उत्सव है। इस दिन आपको अपने बच्चे का हौसला अफजाई करने के लिए, बच्चों की परफॉर्मेंस भी देखने के लिए ज़रूर आना चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि मैं खुद भी मेरी बच्चे के स्कूल में नहीं जा पाता हूँ, उनके पेरेंट्स टीचर वगैरह मीटिंग वगैरह होती है, एनुअल फंक्शन होते हैं, कई बार बुलाते हैं, लेकिन मेरी तो ड्यूटी का नेचर ही ऐसा है कि हमको छुट्टी नहीं मिलती, जिम्मेदारी ऐसी है, इसलिए मैं नहीं जा पाता हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं निवेदन करूँगा, अभी सब अभिभावकों को कोशिश करनी चाहिए कि वो बच्चों के वार्षिक उत्सव या जब भी कोई मीटिंग होती है उसमें ज़रूर आना चाहिए। एक जागरूक अभिभावक के यही गुण है, यही लक्षण है कि वो कितना विद्यालय में जाता है, अपने बच्चों के टीचर से, प्रिंसिपल से बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में, व्यवहार के बारे में जाने, बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सारा अभिभावकों को ज़रूर देखना चाहिए। एक वो जमाना था कि मैं 8वीं पास करके घर आया, जब अधिकारी मेरे पीछे मुझे लेने आए कि आप आओ आपको नौकरी देते। अब वो जमाना नहीं है, अब वो जमाना है कंपटीशन का, अब बार भी शब्द भी होड़ भी पास करने की कोई ऐसा नहीं है, पास करने से नहीं, उनके नंबर 92, 93, 94 अंक होंगे तो उनको पूछेंगे, नहीं तो पास होने से कोई नहीं पूछेगा। ये जमाना अभी कंपटीशन का है, इसलिए आप मेहनत करें और आगे से आगे बढ़कर, क्योंकि देश का भविष्य आप है, देश का भार आपके कंधों पे है। आप IAS, IPS, RS, डॉक्टर, MLA, MP, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आप बन सकते। राजनीति में चले जाओगे, बिजनेस में चले जाओगे, तो सफलता से शिक्षा से ही आपको सफलता मिलेगी। मैं एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों को आपके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। समाज